अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एस्ट्रा फ्री वर्सेस एस्ट्रा प्रो। एस्ट्रा प्रो के अंदर कौन कौन से फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे या फिर आपको एस्ट्रा प्रो की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो किन किन फीचर्स के लिए ज़रूरत है और एस्ट्रा प्रो आपको कौन कौन से फीचर्स देगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आज हम इस पूरे लेक्चर के अंदर करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि किस तरह से एस्ट्रा प्रो के अंदर थोड़े एडवांस फीचर हैं और ज़्यादा फीचर हैं ताकि अपनी वेबसाइट पे आप ज़्यादा कंट्रोल कर सकें और ज़्यादा उसको कस्टमाइज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, राइट? इसके अंदर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा और बताऊंगा कि बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और कौन कौन से, और कुछ को मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास है एस्ट्रा प्रो का जो है ऑफिशियल लिंक। यहाँ पे आप इसको ओपन करके खुद भी इसके अंदर डिटेल पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि एस्ट्रा प्रो के अंदर, एस्ट्रा फ्री के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें मिलेंगे। वूकॉमर्स के अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डिफरेंट साइट्स के लेआउट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ब्लॉग लेआउट्स आप मैनेज कर पाओगे, बेटर टाइपोग्राफी, ज़्यादा अच्छे फॉन्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कलर ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे कलराइज करने को अपनी वेबसाइट को। इन शॉर्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा विजिट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाएगा अपने मेन्यू या कोई भी अपनी वेबसाइट के कोने को आपने डिज़ाइन करना है या एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक स्टिकी हेडर का ऑप्शन है। ये वेबसाइट अगर हम स्क्रॉल करें तो ये देखेंगे जो हेडर है ये भी ऊपर गायब हो रहा है लेकिन स्टिकी नहीं हो रहा, राइट? तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको चलता हूँ ज़रा लाइव दिखाता हूँ कि अभी के लिए, अभी जो फ्री वाला इंस्टॉल्ड है इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और पेड के अंदर हमें क्या फीचर मिलेंगे। तो अगर मैं इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करता हूँ, कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे देखें, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे वूकॉमर्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे फ्री के अंदर। ये सारे ऑप्शंस हमें फ्री के अंदर मिल रहे नहीं मिल रहे कि मोर शॉप डिज़ाइन लेआउट। अब यहाँ पे देखें ये एक ही लेआउट है, ठीक है, इसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। बट एस्ट्रा प्रो अगर आपके पास होगा तो इन लेआउट्स को आप चेंज भी कर पाएंगे डिफरेंट तरीके से, जो कि हम आगे चल के देखेंगे भी सही। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ब्लॉग वाले सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, जैसे मोर प्रोडक्ट गैलरी, स्टिकी प्रोडक्ट हेड समरी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेआउट्स, ठीक है, मोर कलर ऑप्शन, मोर डिज़ाइन कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फ्री वाले में नहीं मिल रही। इसी तरह कार्ट पेज के अंदर मॉडर्न कार्ट लेआउट, स्टिकी कार्ट टोटल, रियल टाइम क्वान्टिटी अपडेट, ये आपको नहीं मिल रही, ठीक है, फ्री वाले ऑप्शन के अंदर। तो इसी तरह हर ऑप्शन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आपको नहीं अवेलेबल हो रही फ्री वाले वर्जन में। ब्लॉग के अंदर हम जाएंगे, ब्लॉग आर्काइव में ये देखें, आर्काइव ब्लॉग लेआउट, ग्रिड, मॉन्सरी लेआउट, कस्टम फीचर, इमेज साइज कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही फ्री वाले वर्जन के अंदर। तो ऐसे और काफ़ी सारे ऑप्शन थे इन सब के अंदर जो कि हमें फ्री वाले सेक्शन के अंदर नहीं मिल रही, ठीक है। जैसे अगर फुटर बिल्डर में जाऊँ तो देखें फुटर डीबी एलिमेंट, डिवाइडर एलिमेंट, लैंग्वेज स्विचर एलिमेंट, क्लोन डिलीट एलिमेंट, इंक्रीज एलिमेंट, तो ये सारे ऑप्शन हमें नहीं मिल रहे। तो अभी हम क्या करते हैं, जो एस्ट्रा प्रो है उसको इंस्टॉल करते हैं, राइट? तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से चूज़ फाइल कर लूँगा। चूज़ फाइल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये पूरा प्लगइन अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा WP और ये एस्ट्रा प्रो प्लगइन, ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ और इंस्टॉल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एस्ट्रा प्रो चाहिए तो आप उसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर एस्ट्रा प्रो आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइसेंस एक्टिवेट करके दे दूंगा। ये नल्ड नहीं है, क्रैक नहीं है, ऑफिशियल लाइसेंस है जो कि अभी मैं आपको एक्टिवेट करके भी दिखाऊंगा। इसके अंदर आप बहुत सारी और ऑप्शंस एक्सेस कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा चीप रेट के अंदर आपको मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, अगर ये आपको फ्री में चाहिए और आप अपनी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं तो जो भी डोमेन और होस्टिंग अगर आपको चाहिए और वो आप मेरे एफिलिएट लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उससे परचेज करेंगे तो आपको एस्ट्रा प्रो जो एजेंसी लाइसेंस है वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर अच्छे तरीके से इंस्टॉल और लाइसेंस एक्टिवेट करके दूंगा, राइट? ओरिजिनल प्राइस जो एस्ट्रा एजेंसी लाइसेंस की है वो $938 है, आई थिंक इतनी ही है, लेकिन वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट करके दे दूंगा।
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप होस्टिंग एंड डोमेन बाय करेंगे $35 के अंदर आपको 1 ईयर के लिए होस्टिंग डोमेन किसी भी एक्सटेंशन के अंदर .net.com और SSL ये मिलेगा जस्ट इन $35। तो नीचे गए दिए गए लिंक से जाके डोमेन और होस्टिंग बाय करें और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आके बताएं और मैं आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर वो सारी चीज़ें एक्टिवेट कर दूंगा, राइट। तो ये हमारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है, सिंपल इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हमें इसको इसका जो लाइसेंस के साथ इसको एक्टिवेट भी करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास हो गया और यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है कि एक्टिवेट करें अपनी कॉपी को। तो सिंपल मैं इसको एक्टिवेट करूँगा और ये लाइसेंस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा जिस वेबसाइट पर मैं सेटअप करके दूँगा। तो यहाँ पर देखें ये सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अच्छा यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली ये हमारे पास ऑप्शन और यहाँ पे हम अपना जो लाइसेंस है लाइसेंस की उसको ऐड करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें ये वाले सारे ऑप्शन हमें ऑन करने हैं, ठीक है। ये Astra Pro के अंदर मॉड्यूल्स हैं, इनको मैं एक्टिवेट ऑल कर सकता हूँ या जो भी लेआउट आपको चाहिए। तो मैं अभी के लिए ये एक्टिवेट ऑल कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ओके, ये हमारे पास एक्टिवेट ऑल हो चुके हैं। इनको मैं रिलोड करता हूँ और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ये सारे मॉड्यूल्स। अच्छा ये एक्टिवेट नहीं हुए, आई डोंट नो व्हाई। अब जरा रिलोड करता हूँ, आई थिंक ये स्पीड की वजह से जो है एक्टिवेट नहीं हो रहे। हम चल के ज़रा इसको रिलोड करते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन गया या नहीं गया या स्टिल अवेलेबल है। अच्छा आई गेस ये अपडेटेड नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने एक्टिवेट कर दिया है और यहाँ पे देखें ये वो नहीं है, अपडेटेड नहीं है। तो मेक श्योर जब मैं आपको ये इंस्टॉल करके दूँ तो आप इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से जो है अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये अपडेट हो चुका है। अब वापस मैं आता हूँ यहाँ पे Astra के अंदर और यहाँ पे ये वाले मॉड्यूल्स हैं, इन सबको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्टिवेट हो गए। अब अगर मैं अपने कस्टमाइज़र के अंदर यहाँ से जाता हूँ, कस्टमाइज़र, तो यहाँ पे देखें हम Astra Pro के अंदर ऑफिशियली आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये शॉप वाला पेज, इसको मैं एडिट कस्टमाइजर के अंदर एड ओपन करता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, कस्टमाइज़ कर देता हूँ। अब अगर हम WooCommerce वाले इस वाले सेक्शन के अंदर जाएं तो यहाँ पे देखें और ये प्रोडक्ट कैटलॉग है बेसिकली, तो ये प्रोडक्ट कैटलॉग वाले सेक्शन के अंदर जाएं हम, तो यहाँ पे देखें और काफ़ी सारे लेआउट हमारे पास नज़र आ चुके हैं और जो वो ऑप्शंस थे वो सारे काफ़ी सारे एक्सटेंड हो चुके हैं। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास हो चुके हैं। जैसे ये जो साइड बार है इसको मुझे स्टिकी करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ये स्टिकी हो जाएगा। डिस्प्ले पेज टाइटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे देखें मैं अपने प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह से शो करवा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मेरे प्रोडक्ट शो हो गए, इस तरह से शो करवा सकता हूँ, ठीक, और इस तरह से शो करवा सकता हूँ। मतलब काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नज़र आ चुके हैं। और यहाँ पे देखें इन कॉलम्स को मैनेज कर सकता हूँ कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए, 2 कॉलम्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, वो सारे हम इस तरह से मैनेज कर पाएंगे। मतलब अपने पूरी शॉप पेज को या जो भी सेक्शन है पूरी वेबसाइट का उसको अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर पाएंगे ज़्यादा ऑप्शंस के साथ, हर एक एक चीज़ को हम कस्टमाइज़ कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें हम अगर सिंगल प्रोडक्ट पेज को मैं अगर ओपन करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट पेज आ गया। इस वाले को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें और काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए कि मुझे अपना प्रोडक्ट किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। जो नीचे वाले ऑप्शन हैं उनको लेफ्ट साइड पे लेके आना है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे और गैलरी इमेजेस ऐड नहीं है तो मैं ज़रा कोई और प्रोडक्ट आप लोगों को शो करवा देता हूँ।
सपोज ये वाला प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, तो इसके अंदर ये देखें ये साइड पे शो हो गई है क्योंकि हमने उसी तरह से सेटिंग की थी। अब ये वाले जो ऑप्शन थे ये हमें फ्री वाले वर्जन के अंदर नहीं मिल रहे थे, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ पे जो है हेडर बिल्डर है हमारे पास, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें स्टिकी हेडर, ठीक है। अभी के लिए अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पे देखें वो जो हेडर है वो हमारा लाइव हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको, यहाँ पे हमारे पास इनेबल स्टिकी ऐड टू कार्ड ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें क्या करना था हेडर के ऊपर आके ये हमारे पास हेडर है और हमें हेडर को स्टिकी करना है, तो मैं इसको अबाउट द हेडर बिलो भी कर सकता हूँ, जहाँ पे दिल चाहे मैं उसको स्टिकी कर सकता हूँ। इसको मैंने पब्लिश किया। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ अबाउट हेडर लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये वाला सेलेक्ट करना था स्टिक प्राइमरी हेडर, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैंने पब्लिश कर दिया, ये बेसिकली प्राइमरी हेडर है। पर अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये डेफिनेटली स्टिकी हो चुका हो। अब यहाँ पे देखें ये हमारा उसी तरह से शो हो रहा है स्टिकी हो। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं आपको प्रो कोई वर्जन के अंदर मिल जाएंगे, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होंगे आपके लिए। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि आस्ट्रा फ्री और प्रो एडोन के अंदर क्या फ़र्क है और कौन कौन से किस किस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं आस्ट्रा प्रो के अंदर। अगर आपको आस्ट्रा प्रो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग डील लेके आया हूँ। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके लिए सिंपल और सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐड करके दूँगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग परचेज करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लाइसेंस एजेंसी का पूरा लाइसेंस यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट करके दूंगा, प्रीमियम टेम्पलेट्स आप इंस्टॉल कर पाएंगे, सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे आस्ट्रा थीम की, राइट। हर तरह की टेम्पलेट प्रीमियम टेम्पलेट तक भी एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी।